नमस्कार मित्रों, वरदान्या मिश्रा चैनल के वास्तु टिप्स सेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती, तो आज हम जानेंगे कि हम कौन से वास्तु टिप्स अपनाएं जिनसे हमें हमारी मनचाही सफलता प्राप्त हो। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें गुरुवार के दिन पीले धागे या कपड़े में हल्दी की जड़ बांध कर धारण करना चाहिए। इससे आपके सभी काम बनेंगे। दूसरा उपाय, रविवार को छोड़कर हर दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ही काम के लिए बाहर निकलें। इससे सारे काम बनेंगे और काम शांतिपूर्वक संपन्न भी हो जाएंगे। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो या फिर जो पढ़ाई करने के बाद शीघ्र ही भूल जाते हों, उन्हें चांदी के लॉकेट में पन्ने को बनवाकर गले में धारण करवाना चाहिए। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति तेज होती है और पढ़ाई में भी मन लगता है। अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन ना करें। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं या फिर घर में दरिद्रता का वास भी लगातार बना रहता है। अतः कभी भी बिस्तर में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। किसी कार्य की सफलता के लिए घर से निकलने से पूर्व ही जाते वक्त अपने हाथ में एक रोटी ले लें और मार्ग में जहाँ भी आपको कौवा दिखाई दे उस रोटी के टुकड़े करके डाल दें और फिर आगे बढ़ जाएं। इससे आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। घर के मुख्य द्वार के पास कभी भी कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके पड़ोसी आपके शत्रु बन सकते हैं। नित्य सायंकाल घर में गाय के कच्चे दूध में एक बूंद शहद की मिलाकर छींटा दें। इसके बाद गुगल, हर्बल, लोवान को मिलाकर इसकी घर में धुनी दें। घर को लगी बुरी नज़र दूर हो जाएगी और सुख शांति बनी रहेगी।